राम राम सभी को, जय श्री राम, हर हर महादेव संपूर्ण भारत को। मेरे को आज हुआ है डे 41 और मैं पिछले 40 दिनों से भारत यात्रा कर रहा हूँ। मेरे को अभी तक पूरे 5 ज्योतिर्लिंग और एक धाम, जैसे कि हमारे गुजरात में है द्वारका एक धाम, और गुजरात में नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, दो ज्योतिर्लिंग हुए महादेव जी के। और हमें महाराष्ट्र में पहुँचते तक हमको लगा था कुछ 18 दिन लगे थे। 18 दिन में महाराष्ट्र में आए थे और महाराष्ट्र में हमारे 3 ज्योतिर्लिंग हुए। प्रॉपर महाराष्ट्र के कुछ 5 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से हमने प्रॉपर 4 कर लिए, एक ही बाकी रहा था। लेकिन हमारे जो टारगेट में थे कि हमें 3 ज्योतिर्लिंग जाना है, वो हमने किए थे, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तब तक मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ दिक्कत नहीं हुई, कुछ मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज डे 41 में मुंबई में मेरी तबीयत ख़राब होती है। मुंबई में मैं पिछले 5 दिनों से मुंबई में हूँ, उस जगह पर गया भी हूँ, उस जगह पर अभी तक गया नहीं, अब जाऊँगा। लेकिन आज पूरी रात से मैं अभी तक सोया नहीं। वैसे मैं इस यात्रा में निकले 41 डे हुए, मैं इतना सोया भी नहीं हूँ कि रात को मैं दो तीन बजते हैं मेरे, उसके बाद सोता हूँ, सुबह 8-9 बजे उठ के निकल जाता हूँ। मेरा यही रेगुलर टाइमिंग रहा है, ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन आज पूरी रात से सोया नहीं, तबीयत ख़राब हो रही है, पूरा गला मेरा सूखा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है गले में, और जुकाम पूरा हो चुका है। जुकाम ऐसा कुछ फील ही नहीं कर रहा है, ऐसा अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। और इधर को बहुत दर्द हो रहा है पिछले 4-5 घंटों से। अभी सब सोए हुए रूम पर दोस्त लोग हैं, लेकिन उनको जगा नहीं सकता मैं, क्योंकि वो भी अपनी जॉब से 10 बजे आए, खाते पीते सोते हैं, उनको जगाने के लिए वो भी परेशान होते हैं, पता नहीं। और तबीयत ख़राब होने का रीज़न क्या है बताएं? ये मुंबई का जो पॉल्यूशन है ना, बहुत ही प्रदूषण है ना मुंबई का, एकदम बेकार, एकदम बकवास है बेंचोद, बिल्कुल बकवास है। जहाँ जाओ वहाँ पे इधर कचरा वचरा वे वो नॉर्मल चीज़ें, चलो कि कचरा सब जगह होता है, उसकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन यार थोड़ा थोड़ा तो अच्छा होना चाहिए ना, थोड़ा। इधर देखो तो कोई बाजार में खुले रोड पे मच्छी बेच रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। प्रदूषण की वजह से पुणे में भी इतना प्रदूषण था, मैं एक दिन या डेढ़ दो दिन रहा था, निकल गया था वहाँ से 2 दिन में, तो क्योंकि फिर रह नहीं पा रहा है चौथ में कहीं पे ना, प्रदूषण की वजह से। और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है, यहाँ पर रहने की वजह है। मेरे को कहीं जाना है यहाँ से, वो अभी आपको मैं 28-29 तारीख तक को बता दूंगा कि कहाँ जाना है मेरे को। और बाकी यहाँ से हमारा सफ़र होने वाला है गोवा से होके रामेश्वरम तक, हमारा 6th ज्योतिर्लिंग, वहीं जाने वाले हम लोग। और सुबह के अभी 5 बजे हैं, लिटरली 5 बजे हैं, और मैं उधर लाइट वगैरह दिख रही होगी, वहाँ जाके चाय पिया हूँ सुबह 5 बजे, सोया नहीं अभी तक। और मेरी आँख में इतनी सी भी नींद नहीं यार, इतनी सी भी, थोड़ी सी भी नहीं। और अब ट्रैफिक की और प्रदूषण की वो बात कर रहे हैं ना, इधर रात को भी देखो आप लोग कितनी गाड़ियाँ पड़ी हैं, कितनी रात को, और अभी भी गाड़ियाँ बाइक वगैरह तो चल ही रहा है, उनका तो कुछ इधर उधर है नहीं, वो उनका काम है, अपने को उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इधर प्रदूषण की वजह से जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, अभी तक कहीं ख़राब ही नहीं हुई भाई। मैं इतना ही सोता हूँ, 5-6 घंटे मैक्सिमम 6 घंटे सोता हूँ सब जगह पर, लेकिन मेरी तबीयत कहीं ख़राब नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये प्रदूषण ज़्यादा मेरे को, ये बॉडी सक्षम ही नहीं कर पाई, सहन ही नहीं कर पाई इतना प्रदूषण, क्योंकि हम रहे नहीं कहीं इतने प्रदूषण में। हम तो गांव के लोग हैं, एकदम गांव में मस्त खेत में वैसे वैसे रहते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा कुछ होता नहीं रहा हमको। बाकी अभी तक तो ठीक था, लेकिन आज डे 41 में तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है। तो भाई लोग, आप सभी लोग सपोर्ट करते रहो, थोड़ा बहुत हुआ है सुबह, देखते हैं अभी सुबह होता है तो फिर कहीं हॉस्पिटल वगैरह या मेडिकल शॉप से दवाई वगैरह लेते हैं, ऐसे ही ख़राब हो गई अभी 40 दिन में। तो अभी मेरे को तो 365 दिन ट्रैवल करने हैं, हर दिन अलग अलग जगह जाना है, हर दिन कुछ नया देखना है, हर दिन आपको भी कुछ नया दिखाना है, तभी आपने मेरे को फॉलो किया तो उसका मुनाफा आपको मिलना ज़रूरी है। बाकी
सोएंगे तो नहीं आज, लगता तो नहीं हमको नींद आए पूरी रात, लगता तो नहीं, बिल्कुल लगता नहीं मेरे को पूरी रात नींद आए, क्योंकि अभी आँख में इतनी सी भी नींद मेरे को तो नहीं दिख रही, आपको कैमरे में से दिख रही ना दिख रही आई डोंट नो, मेरे को तो नहीं दिख रही, लेकिन तबीयत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और सभी को दिल से धन्यवाद है जो भी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपनी तरफ से जितना भी हो रहा है उतना कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं हमारे लिए, वो सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बाकी हमारे 5 ज्योतिर्लिंग हो गए, 1 धाम हो गए, और हमने पहाड़ी ट्रेक में देखो अंजनी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत, हरिहर फोर्ट, हरिश्चंद्रगढ़, जो महादेव जी का 4 स्तंभ में शिवलिंग है जो पूरे टाइम पानी में रहता है, वही ठंडी पानी में, और उसके बाद प्रतापगढ़ जाके आए, हमने पांडवों की गुफा भी देखी है, महाबलेश्वर भी जाके आए हैं, और बाकी मोस्ट ऑफली बहुत पहाड़ों में ट्रेक किया, भीमाशंकर भी गए थे, उधर भी हमने पीछे पहाड़ में से आया था पूरा 150 किलोमीटर का राउंड लेकर। और बाकी तो घूमने में लायक तो हमने महाराष्ट्र में तो बहुत कुछ घूम लिया है, बहुत महाराष्ट्र में मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेरे को 25 दिन हो गए महाराष्ट्र में, सिर्फ 1 महीना होने वाला है, और अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर एक एक जगह घूमने जाए ना, अगर सब जगह घूमने लायक बहुत अच्छा है, 2 महीने भी लग सकते हैं और 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हमसे जितना हो पाया है ना, हम जहाँ जहाँ जा पाए ना अच्छी अच्छी जगह पर, जो लगा था कि ये चीज़ तो जाना ज़रूरी है, वहाँ सब जगह जाकर आए, मज़ा आया एकदम, बहुत बढ़िया मज़ा आया। और बाकी एकदम मुंबई का अभी सुबह का व्यू देखो आप लोग, और मैं बैठा हूँ अभी हाईवे पर ही हूँ मोस्ट ऑफली, ये आप देखो इधर हाईवे, अभी पुलिस की गाड़ी भी इधर निकल रही है, पुलिस भी पूरे टाइम 24 घंटे अपनी सेवा कायम रखती है, क्योंकि इधर को कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, इधर को कुछ भी हो सकता है, ये पूरा माहौल ही ऐसा है मुंबई का अभी का। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि मुंबई में ये होना नहीं चाहिए वो होना नहीं चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाए ना भाई, रहने में मज़ा आएगा। हम यात्रा कर रहे हैं यार, यहाँ पर आके बीमार पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में मैं नासिक में था, संभाजी नगर गया था, भीमाशंकर गया था, महाबलेश्वर गया था, सब जगह जाके आया, मेरे को कभी कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, 2-3 दिन वहाँ पर मैं पूरे दिन से वहीं था ना, पूरे ये 25 दिनों से वहीं घूम रहा था, ये मुंबई में तो पिछले 5 दिनों से आया ना, तभी मेरी ख़राब हुई ना, बिलीव नहीं, मैं डाल नहीं रहा कि मुंबई की वजह से, मुंबई की वजह से, लेकिन ये पॉल्यूशन जब से आया ना तब से मेरे को दिख ही रहा है, पुणे में था यहाँ पर भी था। बाकी सभी का दिल से धन्यवाद, सपोर्ट करते रहो, कमेंट करो, हर हर महादेव, जय श्री राम, और मेरे लिए भी कमेंट करो भाई, अच्छे ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं कुछ न्यू क्रेजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, गुड नाइट।